हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल आशास कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ना पर्पल से कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर का एक छोटा सा हॉल कह लीजिए, रिव्यू वीडियो कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो आप। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने रीस्टॉक किया है, फिनिश हो गई थी, मैं काफ़ी टाइम से इन्हें यूज़ कर रही हूँ। और पर्सनल यूज़ के लिए जो आप मुझे देखते हैं हमेशा, मैं वेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बाय की है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे ना, ये मैंने एक बजट सेट किया था 200 रुपीज़ का, 200 के अंदर अंदर ही सब कुछ मैंने बाय किया है, कुछ भी 200 से ज़्यादा नहीं है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं आई नो, बट एंटरटेनिंग भी होते हैं और इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, बोर नहीं करती मैं तुम्हें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और ये सारी चीज़ें हर कोई बाय कर सकता है, 200 ऐसी रेंज होती है जो हर कोई बाय कर सकता है, तो ज़रूर देखना। सबके अच्छी बात और बुरी बात, प्रॉस कॉन्स साथ में लेके चलेंगे। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखो क्या होता है ना कि आप लोग सोचते हो कि 200 की रेंज है, तो क्या पता कि इन्होंने फेस मास्क की जो चल रहे हैं आपका शीट मास्क मंगा लिए हो, वो ही आते हैं 100 रुपीज़ में। ऐसा नहीं है, हम कई चीज़ें बाय कर सकते हैं, बस हमें क्या होता है फिल्टर लगा के चीज़ों को ध्यान रख के बजट सेट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ जो मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी फिलहाल, वो था फेस वॉश। अभी तक गर्मियाँ थी तो मैं जो मेरा मतलब कि ममा अर्थ का फेस वॉश था विटामिन सी वाला, वो यूज़ करती थी। गर्मियों में ठीक था, ऑयली स्किन होती है, चल जाता है। अब विंटर्स आ गई हैं, उसे यूज़ करने के बाद ना स्किन फ्लेकी होने लगी थी और बहुत ज़्यादा टाइट टाइट सा फील होने लगा था, तो उसके साथ मैं उसको अब रख के ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश, ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो यार मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, मतलब यूज़ नहीं किया है, ये अभी आपके साथ ही मैं शो कर रही हूँ। इसे हम ओपन करेंगे, इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है? चैनल पे चिपके रहो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो डिटेल वीडियो देखने के लिए, ठीक है? ये जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी ना यार तुम्हें, 1, 2, 3 और ये शायद कंडीशनर फेस वॉश, ये था कुछ, इसके ऊपर ऑफर चल रहा था कि आप बाय वन गेट वन था, तो मैंने शायद 3 या 4 आपको स्क्रीन पर बता दूंगी, मतलब ये एक के साथ एक फ्री मिला है मुझे, ठीक है? तो फेस वॉश लिया मैंने पहले, फिर लिया मैंने शैम्पू। शैम्पू मैं ट्रेसेमे का यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, तो बहुत ही घटिया है, बहुत बाल झड़ रहे हैं उससे। तो इस बार मैंने ये शैम्पू लिया है बनाना में, बनाना वेरिएंट में, नरिशिंग कैरेटीन शैम्पू है ये वाला। तो इसकी भी आप दे सकते हैं, अभी तक सील वगैरह कुछ भी ओपन नहीं किया है मैंने, इसे यूज़ नहीं किया है, तो ये यूज़ करेंगे हम, फिर आपके साथ रिव्यू करेंगे। फिर था बनाना कंडीशनर, शैम्पू और कंडीशनर सेम होते हैं, तो इसके साथ ये वाला सेम ले लिया मैंने, ठीक है? फिर बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है मॉइस्चराइज़र। यार ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, आप देख रहे हो इसकी 125 लिखा हुआ है पीछे, MRP देख लिया। ये पीच मिल्क है, ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और सर्दियों के लिए बेस्ट है। इसमें SPF 24 PA++ UVA UVB दोनों हैं और ये ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे पास होना, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि मतलब कि स्किन ड्राई हो जाती है, फिर वो ना एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है ड्राई स्किन पे। तो स्किन को ध्यान रखो, मॉइस्चर ड्राई मत होने दो बिल्कुल भी। और जो एक्सेस वॉश करते हो ना आप लोग, हमेशा वॉश करते रहते हो चेहरे को, वो करने से रुक जाओ कुछ दिन, ठीक है? तो इसको तो हर कोई अच्छे से जानता ही है, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चौथा प्रोडक्ट मैं बता रही थी ना कि बाय वन गेट वन फ्री था, तो 2 प्रोडक्ट 4 के साथ, मतलब 2 की मैंने पे किया है, 2 मुझे फ्री मिले। तो ये है वो गुड वाइब्स का चेरी ब्लॉसम हैंड क्रीम, ठीक है? हैंड क्रीम इसलिए ज़रूरी है, हाइड्रेटिंग है, हैंड क्रीम है। बार बार हैंड वॉश करने पड़ रहे हैं, कुरियर्स आते हैं उन्हें रिसीव करो, फिर हैंड वॉश करो, फिर पैसे वो देते हैं उन्हें रखो, फिर हैंड वॉश करो, घर के काम करो, फिर हैंड वॉश करो, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो बिल्कुल काली सी पड़ जाती है। तो वो चीज़ ना बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़, ये मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी, भले ही गुड वाइब्स की मत लो, किसी और ब्रांड की लो, बट एक अच्छी सी हैंड क्रीम में ज़रूर इन्वेस्ट करो, ठीक है? फिर बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मिसलर वाटर। मेकअप पहन के मत सोना, मैं सो गई थी, आईलाइनर और मस्कारा मेरी आंखों पर रह गया था, मतलब आलस की वजह से यहाँ मेरे बहुत बड़ा पैच हो गया। सुबह उठ के देखा तो मैंने ये स्किन से उतर रही थी, बहुत दिक्कत हो जाती है और मेरे साथ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर मैं मेकअप वेयर कर लूँ ना तो सारे दाने निकल आते हैं फेस के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर। मेकअप अभी भी मैं शूट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लिपस्टिक वेयर कर रखा है,
उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, मेरे पास पहले नहीं था क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने सोचा है कि ये वाला विस्लर वाटर आप लोग भी ले सकते हैं, 200 की रेंज में है, छोटा सा पैकेट है, कहीं भी बॉटल है सॉरी, कहीं भी कैरी करो, इजी टू कैरी है, बेस्ट चीज। फिर बढ़ते हैं कुछ मतलब कि मेकअप प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, अब मेकअप का ऐसा हो गया है कि यार प्रोफेशन में आ गए हैं तो मेकअप जरूरी है, अदरवाइज इतना कुछ होता नहीं था पहले। तो मेकअप के नाम पे एक काजल है, एक आईलाइनर, एक लिप लाइनर, दो नेल पेंट्स और एक लिपस्टिक और एक नेल पेंट रिमूवर, यही है बस मेरा मेकअप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, लिपस्टिक मैंने ली है सेम 200 की रेंज में, अबव मतलब बिलो रेंज में थी, फेसेस कैनेडा की है ये। इसका मतलब स्वैच मैंने आपको शॉर्ट्स में भी अपलोड करूंगी, आप देखना। पैकिंग इसकी ऐसी आती है, सब मैंने इसका मतलब कि स्वाच कर लिया था, फिर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। अच्छा सा प्लम कलर है इसका, और इसका जो कलर है ये कुछ कलर पे ऑफ इस तरह से आएगा। यार ये क्रीमी है, ठीक है, क्रीमी है, ये क्रीमी है और ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, मतलब कि जैसे कि अब जैसे यहां है ना देखो, ये मेल्ट हो जाती है। तो इसको तो मैं मोस्टली क्या चीक्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, बट ये है ना जल्दी से इसका मतलब निकल जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मास्क के ऊपर ना मेरे मास्क अलग से दिखाई देते हैं, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद सारी लिपस्टिक उसी के ऊपर होती है, या फिर ऊपर होती है नीचे होती है, लिप्स पे तो होती ही नहीं है। तो ये मंगा है ऐसे लिपस्टिक के साथ। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले 6-7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था अफोर्डेबल लिपस्टिक्स का, वो थी ब्लू हेवन से लिक्विड मैट लिपस्टिक्स थी, जो मैं हमेशा मैं आप देखते होंगे कंटिन्यू मैं वीडियोस में वेयर करती हूँ, वो है। अभी भी मैंने जो लगा रखा है शेड वो ये वाला है सी। तो ये वाली लिपस्टिक बाय की थी और ये इतनी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, ये ना तो लिप्स को ड्राई करती हैं, ना ही उनकी पपड़ियाँ निकलती हैं होठों पे से, ना ही वो एकदम से ड्राई और क्रैकी होते हैं, फ्लैकी कुछ भी नहीं होता इसके लिप्स के ऊपर। बहुत अच्छी हैं, लाइट वेट हैं, इंडियन ब्रांड है ब्लू हेवन, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इनके मैंने सारे कलर ले रखे हैं सारे के सारे। उसके बाद मैंने इनके बाद मैंने कोई लिपस्टिक नहीं ली, ली थी तो जस्ट हर्ब्स की ली थी यार, वो भी ऐसी थी क्रीमी होने की वजह से सारी निकल जाती है। इसको वेयर करती हूँ मास्क के ऊपर से, मतलब मास्क लगाती हूँ फेस पे तो कहीं नहीं जाती है, बहुत अच्छी है ये वाली लिपस्टिक ना। अभी मैंने शेड लगा रखा है 04, ये वाला जो आप देख रहे हो ये 04 है। ठीक है, फिर लिया एक लिप लाइनर मैंने। तो गाइज उसके बाद मैं आपके साथ शो कर रही थी NYB का ये लिप लाइनर, ये कुछ इस तरह के ऑरेंज से टैंगी से कलर में है, तो बहुत ही खूबसूरत। अब वो लिपस्टिक तो आप देख रहे हो गायब हो चुकी है, इसका मैं आपको ओ शिट टूट गया, काफी ज्यादा ड्राई था तो ये टूट गया। बच्चों को हंसी आ रही है, नुकसान हो गया मॉम का, इनको ये नहीं दिख रहा, हंस रहे हैं दोनों। ये टूट गया यार, काफी ज्यादा ड्राई था, जैसे ही प्रेशर दिया हल्का सा तो टूट गया। ऑरेंजिश कलर में है, तो मेरे पास ऐसा कुछ कलर नहीं था, तो मैंने कहा इसके साथ कुछ ट्राई करते हैं। फिर दो नेल पेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक है ये पिंक कलर का, ठीक है, और एक है ये नेल आर्ट करने के लिए, मतलब टॉप कोट लगाते हैं हम लोग तो उसके लिए। तो ये भी बहुत अच्छा पेस्टल पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा, देखो इस तरह का ये पेस्टल पिंक कलर आएगा। इसको तो नेल पे ही लगा के दिखाना पड़ेगा, ये सिंगल कोट मैंने आपको दिखा रही हूं, अभी सिंगल कोट दिख रहा है आपको, पेस्टल पिंक कलर है ये। और इसके ऊपर जैसे ये ड्राई हो जाता है तो आप इसके ऊपर नेल आर्ट करने के लिए इस तरह से, ये एक मैंने नेल आर्ट के लिए, मतलब मेरे को रूही को बहुत शौक है इस तरह के फनी फनी चीजें यूज करने का, तो ये एक नेल आर्ट करने के लिए मैंने ये मंगवाया था, नेल इनेमल है ये भी एक तरह का। इसको काफी अच्छे से शेक कीजिए, इसके अंदर ना जैसे वो पार्टी पॉपर्स के अंदर ग्लिटर्स होते हैं वो निकल के आते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखो इसके वैंड पे दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिख रहा हो, क्योंकि इतने बारीक हैं तो आप इस तरह से ग्लिटर लगा सकते हैं अपनी नेल्स के ऊपर। तो नेल आपने पहले देखा कैसा दिख रहा था और अब देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नेल आप नेल आर्ट कर सकते हैं इसको, टॉप पार्ट को लगा के, टॉप कोट को लगा के। फिर है हमारे पास नेल पेंट रिमूवर, लास्ट एंड फाइनल चीज यार, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना ये नेल्स कैसे साफ होंगे,
मुझे नेल्स क्लीन रखना बहुत पसंद है। नेल पेंट सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ही मैं वीडियो बनाते समय यूज करती हूँ, वैसे नहीं लगाती मैं। एल्प्स का गुड वाइब्स का एक लोशन फ्री ऑफ कॉस्ट आया इस पैक में। फिर थी एक लिप बाम ब्लू हेवन की स्ट्रॉबेरी सरप्राइज, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो रखी है वो। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप, तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करना है तो ये वाली मत कीजिएगा, सस्ती होने के नाम पे अगर आप ले रहे हो। मगर ये क्रीमी है, अच्छा ठीक है, डस्टिंग करके, पाउडर डस्टिंग करके इसको आप कर सकते हो मैट, फिर भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कलर पे ऑफ भी इतना खास नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये दोनों, अच्छा ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ मैंने पर्सनली यूज करने के लिए बाय किया, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए इसको बोलने के, अच्छाई करने के, तुम्हें पता ही है। तो अगर कुछ ऐसा चाहते हो ना बुलेट्स में, तो ये जो NY बेका काफी पहले ये रेंज चलती थी रनवे, जब मैं मतलब कि मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, यूट्यूबर नहीं थी, उससे पहले से मैंने ये ले रखी है। एक मेरा फेवरेट कलर पिंक और एक ये रेड, तो इनके कलर इस वाले लिपस्टिक से बहुत अच्छे हैं। सी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ये यूज हो चुकी है। इसका स्वॉच दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब तो शायद ये आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि काफी साल, दो मतलब एक डेढ़ साल पहले ली थी या उससे भी ज्यादा, 2020 में ली थी, तो अब तो खत्म हो गई है। मगर चीज बहुत अच्छी है और ये देखो टूट चुकी है, फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, बहुत फेवरेट थी मेरी ये, मैं हमेशा इसे ही वेयर करती थी। तो ये है वो पिंक कलर, ये जल्दी से हटते नहीं है, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, लिप्स को ड्राई नहीं करते हैं, चीज बहुत अच्छी है। पॉकेट के मतलब कि आपकी पॉकेट पे ज्यादा बर्डन भी पड़ेगा नहीं इसको बाय करते समय। और अगर चाहते हो तो इसका कई सारे वेरिएंट्स आ गए NYBay पे, तो आप उनमें से बाय कर सकते हो purple.com पे। कॉस्मेटिक्स का क्या होता है ना, ढेर लग जाता है, हम लोग इतना महंगा महंगा ले लेते हैं, यूज नहीं हो पाता। मैं हमेशा वही लेती हूँ जो पॉकेट के ऊपर मतलब इतना बर्डन भी ना पड़े, किफायती हो यार, ज्यादा महंगा भी ना हो और चीज अच्छी चले। तो बहुत अच्छी है ये लिपस्टिक दोनों NYBay की। और जो ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स हैं, जितनी भी मैंने बाय की थी ना, उनका लिंक मैं आई बटन पे दूंगी, जरूर चेक करना और मुझे बताना तुमने वीडियो देखा कि नहीं देखा है, ठीक है ना। और मेरी प्यारी बहनें तो देखेंगे, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। तो ये डार्क ब्राउन कलर में है, डस्टी स्किन वालों के लिए तो बेस्ट कलर है ये वाला। आई बटन पे लिंक चेक करो, फटाफट से कमेंट करो और बताओ कैसा लगा वीडियो। तो गाइस मैं आपको दो चीज़ें शो करना भूल गई थी जो इसी हॉल का पार्ट थी इस बॉक्स में। गाइस एक तो है ये ब्लू हेवन का आईलाइनर, मैं ये बताना चाहूंगी, इससे पहले मैंने आपको शायद नायका हॉल में या पता नहीं कौन से हॉल में दिखाए थे, दो लाइनर्स बाय किए थे मैंने लैक्मे के ब्लू एंड ब्लैक कलर के, जो उनके क्लासिक प्रोडक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है यार, वो बहुत ही बकवास है, नहीं स्टे करते। और ये वाला लाइनर मैंने रात को लगाया था ना, मैं बता रही थी कि आईलाइनर लगा मस्कारा लगा के सो गई थी, ये है वो लाइनर। ये एक पैन के टिप के अकॉर्डिंग आता है, तो जो लोगों के ना हैंड शेकिंग की प्रॉब्लम है, हम लोगों को क्या होता है जब बिगनर्स होते हैं ना, हमें लाइनर लगाने में कई बार किसी किसी के हाथ ना कांपते हैं, मेरे साथ होता था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपनी राइट आई पे नहीं लगा पाती थी, लेफ्ट पे फिर भी लगा लेती थी, तो हाथ ऐसे ऐसे डगडग डगडग होते थे, हिलने लग जाते थे। तो वेंट्स की वजह से क्या होता है, पेंसिल पेन टिप में क्या होता है, इजीली स्केच करके आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका स्वेच दिखाती हूँ मैं आपको, तो बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ है, और ये जब तक आप इसको मिसलर वाटर से क्लीन नहीं करोगे ना, तब तक ये रिमूव नहीं होगा, इतनी अच्छी चीज़ है। और वो जो लैक्मे वाले हैं वो बहुत जल्दी आंखों के इधर इधर आके फैल जाते हैं, बहुत बेकार चीज़ है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ NYBay का एक वाइट लॉन्ग आई लैंड डीप इंटेंस कोल पेंसिल, जो कि वाइट कलर में है। ये मेरा फर्स्ट मतलब कि पहला लाइफ, पूरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि वाइट कलर का काजल मैंने बाय किया, और पहला ही बार में मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ही बेकार है ये, मतलब दिखता ही नहीं है, अच्छे से लगता नहीं है, और चमक चमक सी है बस इसके अंदर। ये देखो ये इसका स्वॉच दिख रहा है आपको, तो ये देखो ये मैंने आपको दिखाया, ये चला गया, दैट्स इट, जरा सी आंखों में एचिंग होती है आप ऐसे से करते हो चला जाता है, बट वो वाला ब्लू हेवन वाला देखो कहीं नहीं गया,